देखिए तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साथ ही लल्लन सिंह और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सिंह लल्लन सिंह के साथ साथ संजय झा और विजय कुमार चौधरी दिख रहे होंगे। नीतीश कुमार खुद पैदल चलकर रारू रावड़ी आवास पहुंच रहे और यह तस्वीर ये देखिए किस तरीके से नीतीश कुमार अपने दल बल के साथ पहुंच गए हैं। तो वहीं दावत इफ्तार का आज आयोजन किया गया है लालू रावड़ी आवास पर। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं ना कहीं लालू रावड़ी आवास पर तस्वीर देखिए किस तरीके से जगह जहाँ आपके लिए है वहाँ आप बनाए कदम तशरीफ रखे। आपके जगह पर रुअपना लीची का बोतल पानी खत्म कर दिया जाएगा। तो ये तस्वीर लालू रावड़ी आवास की है जहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से दावत इफ्तार का आयोजन किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव साथ ही राबड़ी देवी आपको दिख रही होंगी। यह तस्वीर जो है लालू रावड़ी आवास की जहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से दावत इफ्तार मनाया जा रहा है। जिस तरीके से बातें सामने निकल के आई थी पिछली दफा देखा गया था कि महागठबंधन के कहीं ना कहीं तमाम घटक दल दिखे थे, तो वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे ही दावत इफ्तार में शामिल होने आए थे और कहीं ना कहीं तरीके में शामिल होने आए थे नीतीश कुमार। उसके बाद सीधे एनडीए टूट गया और नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ आ गए और कहीं ना कहीं बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई। वहीं देखा जाए तो एक बार फिर से बिहार के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपको दिख रहे होंगे और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार महागठबंधन के साथ है और सरकार बिहार में महागठबंधन की चल रही है। तो ये तस्वीर जो है वो आपको हम दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से सीधा सीधा लालू रावड़ी आवास की ये तस्वीर है जहाँ पर ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव तमाम लोगों से बात कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं मुआयना कर रहे हैं कुछ भी दिक्कत ना हो। देखिए पप्पू यादव आपको दिख रहे होंगे, पप्पू यादव करीब 9 वर्षों बाद लालू रावड़ी आवास पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं दावत इफ्तार में शामिल होने पहुंचे। सामने तस्वीर में आप देख रहे होंगे चिराग पासवान सीधे तेजस्वी यादव के पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से चिराग पासवान जो है वो बैठे होंगे, नजर आ रहे होंगे आपको। तो वहीं चिराग पासवान जो है वो पहुंचे हैं। बता दें आपको कि कई वर्षों बाद जो है पप्पू यादव कहीं ना कहीं लालू रावड़ी आवास पहुंचे हैं। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी दावत इफ्तार का आयोजन किया था जहां पर तमाम नेताओं को उन्होंने न्योता भेजा था, लेकिन चिराग पासवान वहां पर नहीं पहुंचे थे। लेकिन देखा जाए तो चिराग पासवान लालू रावड़ी आवास पर पहुंच गए हैं और तस्वीर लालू रावड़ी आवास की सीधा सीधा आपको हम दिखा रहे हैं। दावत इफ्तार का आयोजन किया गया है और बता दें आपको कि मुस्लिम लोगों का जो है रोज़ा तोड़वाया जा रहा है यहाँ पर। कहीं ना कहीं जो तस्वीर है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से तेजस्वी यादव के साथ साथ तमाम लोग जो है वो दिख रहे होंगे आपको, पप्पू यादव दिख रहे होंगे, जीतराम मांझी दिख रहे होंगे। और ये तस्वीर सीधा सीधा आपको हम लालू रावड़ी आवास की दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से पप्पू यादव दिख रहे होंगे, जीतराम मांझी दिख रहे होंगे या फिर महागठबंधन के तमाम घटक दल दिख रहे होंगे, विपक्ष के तमाम नेता आपको दिख रहे होंगे, जो बीजेपी का विरोध करते हैं वो तमाम नेता एक मंच पर एक साथ आज आपको दिख रहे होंगे। कहीं ना कहीं कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के लिए तेजस्वी यादव कुछ भी कर सकते हैं, तमाम विपक्षों को एक करने में लगे हैं। तो वहीं दावत इफ्तार जिस तरीके से बुलाया गया इससे यह साफ हो रहा है, साफ दिख रहा है कि महागठबंधन कहीं ना कहीं मजबूत लगातार अपनी पार्टी को करने में लगा है। तो वहीं महागठबंधन अपने आप को मजबूत करने में लगा है, साथ ही देखा जाए तो कहीं ना कहीं तमाम विपक्षी एकता को एक करने में महागठबंधन लगा है। तो ये तस्वीर आपके सामने है, तस्वीर लालू रावड़ी आवास की है, तमाम लोगों को कहीं ना कहीं स्वागत करने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है, स्वागत किया जा रहा है, तो वहीं रोजा तोड़वाया जाएगा। तो ये तस्वीर आपके सामने है, तमाम विपक्ष के नेता हो जो है वो देख रहे होंगे आपको। तो वहीं ये तस्वीर लालू रावड़ी आवास की, तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम नेताओं का जो भीड़ है वो आपको दिख रहा होगा। तस्वीर लालू रावड़ी आवास की दिखा रहे हैं, तस्वीर में आपको देखा किस तरीके से जो तस्वीर है वो लालू रावड़ी आवास की है जहाँ पर तमाम नेताओं के साथ साथ तमाम लोग जो हैं वो आपको दिख रहे होंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अजय के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।